नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि इन सबों में वृद्धि होने से देश की गरीब जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। रसोई गैस के मूल्य वृद्धि होने से घर का चूल्हा बंद होने के कगार पर है। डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से बस भाड़ा पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिसका बोझ गरीब जनता पर पड़ रहा है। नमस्कार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मसौढ़ी के तमाम लोग, तमाम जनता जो त्रस्त हैं डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मसौढ़ी के लोग, मैं इनसे जानता हूं कि डीजल पेट्रोल में जो वृद्धि की गई है, क्यों नाराजगी है आप लोग, क्यों नाराजगी है सर? हाँ, हमारा जो देश है डीजलीकरण है, चूँकि डीजल का जैसे ही दाम बढ़ता है पूरे सारे वस्तुओं का, उपभोक्ताओं के तमाम वस्तुओं का दाम बढ़ जाती है। बिस्कुट से चॉकलेट से लेकर के जो दैनिक जीवन में हम डेली जो यूज़ करते हैं वस्तुएं, सब के वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ती जा रही है। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, उन्हें रोज़गार नहीं है, उनका आमदनी घटता जा रहा है। ऐसे हालात में आज हमारे देश के अंदर जो ग्रामीण है चाहे शहरी, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आज घूट घूट करके मरने के लिए विवश हो रहे हैं। महंगाई इतनी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, और जो डीजल है पेट्रोल है उससे बहुत सारे आज जो हमारे लोग हैं जरूरी काम से भी जाते थे कहीं कार्यालय में, आज उनका स्कूटर बंद करना पड़ रहा है, घरों में रखना पड़ रहा है, सिलेंडर गैस भराना बंद कर दे रहे हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं। और सरकार इस पर सोच नहीं रही है। सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कब उसकी नींद टूटेगी और कब महंगाई पर रोक लगेगा, आशे में हमारे देश के जो निसहाय गरीब लोग हैं वो देख रहे हैं। देश के जो केंद्र में सरकार है वो लगातार जो है महंगाई की मार कर रही है और मध्यम वर्गों को जीना मुश्किल हो रहा है। तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अविलंब जो है महंगाई पर रोक लगाया जाए। आज भी देखें कि 25 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम आज बढ़ा भी लगातार, और जो सब्सिडी की बात था उसमें तमाम गरीबों भी वंचित हो रहे हैं कि पटना शहर में नहीं मिलेगा, मसौढ़ी शहर में रहने, तो शहर में सारे बड़े पैसे वाले नहीं हैं, शहर में डेली कमा करके अपने जीवन यापन करने वाले भी लोग हैं, उनके घरों में चूल्हा चौका बंद हो रहा है, उनके बच्चे जो है उनके नाश्ता सही समय पर नहीं मिल रहा है घरेलू जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने के कारण। इसलिए हमारे देश का आम जनता मध्यम वर्ग पर यह सरकार लगातार हमला कर रही है। इसलिए सरकार से हमारा यह कहना है कि आप महंगाई घटाएं ताकि आम जनता भी जी सके, चैन की सांस ले सके। इन्हीं बातों के बाद अपनी बात समाप्त करते हैं कि सच कहना अगर अपराध है तो हम अपराधी ही है, क्योंकि सचो कहे में अगर सबके अरेस्ट करके ठूसल जाए थे। और जहाँ तक डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ाई न है, ऊपर दो लाइन कि मुद्रा कोष की नीति यही है, विश्व बैंक का नारा, आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, नहीं कुछ कहना होगा कि चुपचाप सहना होगा, नहीं कुछ कहना होगा चुपचाप सहना होगा, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं तो पानी के बौछार से तुम्हें भगा दिया जाएगा, लाठी के मार से। ये भाई रोज 25 रुपया बढ़ जाता है तो इससे जनता को तो दिक्कत है, और रोज जो कम से कम 10,000 से नीचे जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वो अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला स्थिति में जो आम जनता पहुंच चुकी है, कैसे काम चलेगा? बहुत दिक्कत है। अब लगभग 125 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, और पहले सब्सिडी भी मिलता था, अब सब्सिडी भी लगभग खत्म के बराबर है। बहुत दिक्कत हो रहा है, गरीब आदमी गैस नहीं भरा रहा है, लकड़ी गोईठा पे खाना बना रहा है, बहुत दिक्कत है। प्लस पेट्रोल और डीजल पे बोल रहे हैं, डीजल के दाम से ही सब कुछ तय होता है, माल आता है उसी से सब कुछ बढ़ता है, सब्जी का दाम, चावल दाल का दाम, बिस्कुट का दाम, मतलब जो भी सामान है सब तो आता है ट्रक ही सबसे, तो बहुत दिक्कत है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आदमी तीन दिखाए गए थे ना? हाँ, बहुत बहुत सपना दिखाए थे, सपना तो हाँ साकार हुआ सपना, बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल पे। सर मोदी भक्त को पूछना चाहते हैं कि बेतहाशा वृद्धि पर मोदी भक्त तो कुछ बोलते नहीं हैं, कहाँ गए मोदी भक्त? हमारे लिए नहीं बढ़ा है, वो मोदी भक्त के लिए भी बढ़ा है। आज भी 25 रुपया मैंने गैस सिलेंडर पर बढ़ा है, तो गैस सिलेंडर पर बढ़ा है तो हमारे लिए नहीं बढ़ा है, वो मोदी भक्त के लिए भी बढ़ा है, वो मोदी भक्त को भी समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ सर जी, कीमत तो जनता की परेशानी हो रही है क्या? बहुत परेशानी हो रही है, हमको तो लग रहा है कि जनता को फिर जो है जिस तरह से डीजल और पेट्रोल
और रेल भाड़ा भी हम आपको कह रहे हैं जिस तरह से बढ़ रही है बहुत परेशानी हो रही है, जनता त्रस्त है। हमको तो लगता है कि जनता फिर जो है पूर्व समय में जैसे साइकिल पर चलते थे वही साइकिल खरीदना पड़ेगा, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टमटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम तो निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं कि चाहे किसी दल के लोग रहें, ये जो महंगाई बढ़ी है तो महंगाई जो बढ़ाई है तमाम जनता पर इसका असर है, हर लोग इसका भुक्तभोगी हैं। हम लोग हमेशा जो है मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं कि जिस मान और सम्मान के साथ हम लोगों ने मोदी सरकार को बैठाया था वो सरकार जो है कसौटी पर खड़ी नहीं उतर रही है। ये जो महंगाई हो रही है इसका जो मार है तमाम लोगों पर पड़ रहा है, गरीब पर भी, अमीर पर भी, मध्यम वर्ग पर भी, सब लोगों पर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करें और यह जो महंगाई है पेट्रोल का जब 2 दिन पर 4 दिन पर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, रेल किराया बढ़ रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, सुबह में एक ट्रेन है शाम में एक ट्रेन है, किसान का जो माल है उपजा रहे हैं और उपजा करके उसको सस्ते माल में बेचा जा रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है, किसान भी त्रस्त है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो, सरकार से हम मांग करते हैं। नालंदा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि घटना बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के गोरागढ़ मोहल्ले की है। मृतक सारे थाना क्षेत्र के पिपरासूत गांव का निवासी था। वह बिहार शरीफ के गोरागढ़ में किराए के मकान में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। सदर DSP डॉक्टर सिबली नुमानी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। किपरापुर गांव का ये छात्र है जो यहाँ किराए के मकान में रह के पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। सूचना मिली कि इसका रूम बंद है, पुलिस आई है, थाना अध्यक्ष हुआ है, गेट को तोड़ा गया, इसमें उनका बॉडी प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ बरामद हुआ है। कुछ सुसाइड नोट भी मिले हैं। प्रथम दृष्टिया ये हैंगिंग का मामला प्रतीत होता है, परंतु अभी हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। फोन पैसा लेके परिवार से मिल के टिकटवा करा के कैसे क्या हुआ है? बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना चिरैया बरियारपुर थाना क्षेत्र के आकोपुर यूको बैंक शाखा की है। बताया जा रहा है कि करीब 5 की संख्या में अपराधी उक्त शाखा में समीप पहुंचे और 4 नकाबपोश अपराधी बैंक के अंदर घुस गए और बैंक में मौजूद ग्राहकों एवं बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। इस क्रम में अपराधियों के द्वारा कैशियर के साथ मारपीट भी की गई। SP अवकाश कुमार ने बताया कि लूटी गई राशि की अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बैंक कर्मियों के अनुसार लगभग 6 लाख रुपए की लूट हुई है। 4-5 मोटरसाइकिल से 6-7 नकाबपोश अपराधी आया, बरामद गलमोची मास्क के ऊपर से लगाए हुए था, बैंक के अंदर घुसा। कोई लोग जो बाहर में कुछ लोग था उसको फील भी नहीं हुआ, अंदर में जो कस्टमर था उसको भी लगा जाए, कभी इस तरह घटना यहाँ घटी नहीं थी। लोग अंदर में जाने के बाद गेट बंद कर दिया, गन पॉइंट पर सब जो कस्टमर बैंक का था उसको भी ले लिया, बैंक के सभी पदाधिकारी कर्मचारी को ले लिया, कैशियर को मारा पीटा। सहरसा में दिन दहाड़े दो बड़ी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहां सहरसा सदर थाना क्षेत्र में महज 3 घंटे के अंदर दो बड़ी घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाली जगह DB रोड की है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से 40,000 रुपए निकालकर जा रही महिला से छिनतई कर बदमाश फरार हो गए। 30,000 रुपया बैंक से हम निकाले, झोला में रखे हुए, जैसे निकल के रोड पर गए वैसे ही पैसा छीन ली, झपट्टा मार के झोला से, उसी में पासबुक है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। कितना पैसा था? 40,000। वहीं दूसरी घटना भी सदर थाना क्षेत्र के पूरब बाजार की है, जहां व्यक्ति से 7 लाख रुपए की लूट हुई है, साथ ही साथ व्यक्ति पर गोलीबारी भी की गई है। घटना के बाद सदर SDPO संतोष कुमार ने कहा है कि इसकी जानकारी मिली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुमार ठाकुर मंटू सिंह के यहाँ स्टाफ हैं,
सैमसंग के मोबाइल से भी बाजार जा रहा था, पता चल सर लूट के तुरंत गोली मारी गई है, पता करना होगा जानकारी हम लोग ले रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। अतुल गंगा मुंडमाल परिक्रमा पदयात्रा में एनसीसी अधिकारी, वन विभाग के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने मुंगेर के कल्याणपुर घाट पर भव्य स्वागत किया। कल्याणपुर गंगा किनारे नौ बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडेंट कर्नल एमके सिंह के नेतृत्व में पदयात्रियों का अभिनंदन किया गया। पदयात्रा 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज के समुद्र कूप से प्रारंभ हुआ। परिक्रमा यात्रा गंगा सागर पहुंचेगी और फिर गंगा सागर पार कर गंगा के दक्षिणी किनारे से गौमुख होते हुए प्रयागराज पहुंचकर विराम लगाएगी। यात्रा का समापन 6 महीने बाद 15 अगस्त को होगा। यह यात्रा प्रयागराज से शुरू हुई थी 16 दिसंबर को और प्रयागराज में ही समाप्त होने वाली है 15 अगस्त के लगभग। इस यात्रा के दौरान हम लोग प्रयागराज से बिहार क्रॉस करते हुए, बंगाल क्रॉस करते हुए और गंगा सागर गए। गंगा सागर से गंगा को दूसरी पार किया बंगाल की खाड़ी में से, और फिर हम गंगा के अपस्ट्रीम जा रहे हैं और गौमुख तक जाएंगे। गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख पार करके फिर प्रयागराज में 15 अगस्त के लगभग यात्रा ख़त्म करेंगे। ये यात्रा है, इस दौरान हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, इस दौरान हम पेड़ लगा रहे हैं और इस दौरान हम गंगा की पूरी गंगा का पॉल्यूशन मैपिंग भी कर रहे हैं। हर 10-12 किलोमीटर पर हम गंगा का सैंपल लेते हैं, पॉल्यूशन मैपिंग करते हैं और गंगा में गिरने वाले हर पॉल्यूटेंट, यानी जो भी गंगा में नाले गिरते हैं उनको जियो टैगिंग कर रहे हैं। इनका गंगा का एक हेल्थ डैशबोर्ड बनाएंगे। सर कितने किलोमीटर यात्रा की दूरी? लगभग 6000 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा होगी। कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से हमारी एक अतुल्य गंगा की टीम है जो गंगा जी के किनारे किनारे पूरे गंगा जी की परिक्रमा करते हुए, एक बार डाउनस्ट्रीम में और एक बार अपस्ट्रीम में, और ये परिक्रमा करेंगे। और इनका उद्देश्य ये है कि गंगा के किनारे जितना भी क्षरण हो रहा है, जितना भी पोल्यूशन है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कह लीजिए उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके विषय में लोगों को जोड़ते चलें, लोगों को जागरूक करते चलें, ये मुख्य उद्देश्य है। और जो ये पोल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं हैं या आपके जो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, लोगों में जागरूकता कैसे बढ़े और पौधारोपण के द्वारा इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और जैव विविधता कैसे बनी रहे, जो ये पूरा थीम है इस टीम का वो ये है। तो अरवल में कलेर थाना अंतर्गत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। आपको बता दें कि ट्रक से करीब 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया है कि होली के पर्व को लेकर शराब का कारोबार जोरों पर है, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कलेर थाना के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से शराब की बड़ी खेप कलेर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में पकड़ी गई। आइए जानते हैं थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार से शराब को लेकर के कैसे पकड़ी गई। सर इसके बारे में बताइए क्या इसके ये शराब हरियाणा रोहतक से जा रही थी, ऊपर में बॉक्स बना के लोग शराब रखे हुए है, ट्रक के ऊपर के भाग में पिटीशन डाल दिया है जी, और उसके ऊपर में नीचे पूरा गाड़ी खाली है जी, और ऊपर में पूरा शराब भरा हुआ है जी। जब हम लोग गाड़ी चेक किए तो सर के आधार पर देखे कि नीचे लोहे का पिटीशन है, उस आधार पर चेक किए तो पता चला इसमें दारू है। सर ये बताइए कि क्या इसे पहले से गुप्त सूचना थी या अभियान चला कर? नहीं, अभियान चला पकड़ा गया। सर इसे साथ में चालक भी पकड़ा गया है? हाँ, चालक पकड़ा गया। सर कितना शराब होगा? लगभग 200 पेटी। नगर थाना पुलिस और आरएसओपी ने मिलकर विभिन्न जगहों से बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को 2 चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर ने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। मामले की जानकारी एसडीपीओ सदर पुष्कर कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। एक मोटरसाइकिल लगाया था मुकेश कुमार गुप्ता, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जो चोरी करने में सोर्स को भिड़ा गया तो पता चला कि रंजन पासवान नाम का चोर है, उसने मोटरसाइकिल चोरी किया। जब उसके यहाँ छापामारी किया गया तो जो चोरी की गई थी मोटरसाइकिल बरामद के साथ साथ 2 और मोटरसाइकिल चोरी की बात को स्वीकारा, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल बरामद हो गया और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जो फारविसगंज में दिया था लेकिन वो बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए छापामारी की जा रही है। और इसके साथ सागिर्द में जो था वो फैसल था, मोहम्मद चांद था और राशिद था,
चारों आदमी रंजन पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। धनबाद के चर्चित विनोद झा हत्याकांड के शूटर को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख की सुपारी लेकर 24 फरवरी को विनोद झा की हत्या हुई थी। सुगौली में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की योजना बनाते हुए दोनों शूटर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी में एक आदापुर, साथ ही साथ जो दूसरा अपराधी है वो सुगौली का रहने वाला है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक कट्टा, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों का नाम है चुन्नू तिवारी और तबरेज आलम, जो सुगौली और आदापुर थाना क्षेत्र के क्रमशः निवासी हैं। ये दोनों इन दोनों के पास से एक कट्टा, एक पिस्टल, 6 गोलियां और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इन लोगों के द्वारा चुन्नू तिवारी और तबरेज आलम और अन्य कुछ अपराध कर्मियों के साथ मिलकर इन्होंने धनबाद के चिरकुंडा में 24 फरवरी को विनोद झा नाम के एक व्यवसायी की हत्या की थी, जो इन्होंने सुपारी लेकर किया था। सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता पर बिना सड़क निर्माण कराए 48 लाख रुपए की निकासी कर गबन कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर थाने में इन तीनों के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया है। नगर थाने में दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद के वार्ड संख्या 11 में विभिन्न 7 योजनाओं के माध्यम से 48 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है, जबकि किसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सासाराम नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। वार्ड नंबर 11 जो चेयरमैन का वार्ड है, जो माननीय मुख्य पार्षद हैं, इनका वार्ड है, जिसमें 7 योजनाओं में लगभग 48 लाख रुपया वो भी बिना काम कराए हुए निकाला गया था। इसका प्रथम जो जाँच हुआ था वो मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद इस जांच को वेरीफाई करने के लिए डीएम, तत्कालीन डीएम साहब पंकज दीक्षित थे, उन्होंने एक एडीएम सर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया। उस टीम में असिस्टेंट इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जेई थे और जिला लेखा पदाधिकारी भी थे और एक वरीय उप समाहर्ता और एडीएम सर स्वयं थे। इन्होंने जाँच किया और जाँच करने के क्रम में जो हमने जाँच रिपोर्ट दिया था वो बिल्कुल सत्य पाया गया। सहरसा शहर के सूर्य हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने फीता काटकर किया। शहर के गांधी पथ स्थित सूर्य हॉस्पिटल कोसी प्रमंडल का एक लौता हॉस्पिटल है, जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे फेज का शुरुआत किया गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट मेडिकल अस्पताल में के तहत सूर्य हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत सिविल सर्जन महोदय के द्वारा और पूर्व डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ के द्वारा किया गया। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।